आप अपनी न्यूज़ के सभी वीडियो पाएं सिर्फ एक क्लिक पर। चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं हूं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। पिछले चार दिन से सरसों की खरीद पूरे हरियाणा के अंदर शुरू है और मैं आज नाथूसरी चौपटा की अनाज मंडी के अंदर हूँ, जहाँ पर हंजीरा गांव की सरसों की खरीद हो रही है और उस सरसों को बेचने के लिए हंजीरा गांव के किसान आए हुए हैं। तो एक किसान हमारे साथ हैं, वो अपनी व्यथा सुना रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने जब अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन करवाया था ऑनलाइन, तब उन्होंने 45 करनाल ज़मीन उसमें बताई थी कि उन्होंने सरसों बो रखी है और इनके पास कल मैसेज भी आया कि आप 40 क्विंटल से कम अपने सरसों ले आओ। लेकिन जब वो यहाँ पहुँचे तो इनको जो टोकन काटा गया है वो काटा गया है महज 11 क्विंटल का। तो ये क्यों हुआ है और इस वजह से इनको क्या परेशानी हो रही है, ये तमाम जानकारी के लिए फ़िलहाल हम पहले बात करेंगे किसान से और उसके बाद यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनसे बात करेंगे। जी सर, क्या आपको एक्चुअल में दिक्कत आ रही है? देखो जी, मैंने ऑनलाइन 45 कनाल करवाई थी और मैसेज मेरे पास आया भी 40 कुंटल से ज़्यादा नहीं लेने, तो मैं 40 कुंटल से कम ले आया। तो यहाँ आके मैंने टोकन का कहा तो इन्होंने कहा भी 11 कुंटल से ज़्यादा नहीं तुलेगी। तो ये साथ में तो ये कोरोना बीमारी आ रही है भी, कह रहे हैं भी एक बार में ही आप करवा दो और साथ में ये अब कह रहे हैं 11 से हमारे पास कोई पावर नहीं है। तो मैंने इन अधिकारियों से बात की, इन्होंने इनकार कर दिया। क्या बोले, क्या इन्होंने टेक्निकल कोई वजह बताई है, क्या बताया आपको? ये कह रहे हैं हमारे पास तो ऑनलाइन मैसेज 11 क्विंटल का है आपका, मेरे पास ये कागज़ हैं, ये 45 कनाल ऑनलाइन से मैंने कागज़ आज ही निकलवाए, इसमें 45 कनाल मेरी ऑनलाइन है। उसके बावजूद भी मैं घर से आया हूँ, मजदूरी लगा के यहाँ ट्राली भर के फिर या मंडी में यहाँ से अब ले जाके फिर उतरवाएंगे तो मजदूरी लगेगी, फिर ये कह रहे बाद में फिर आना पड़ेगा, फिर मजदूरी और ट्रैक्टर ले आना पड़ेगा। ज़मींदार क्या करेगा, ज़मींदार की तो पहले भी खस्ता हालत है, बार बार लोग बहुत आते हैं इस तरह के, मेरी तरह के, पर लोगों ने किसी को बताया नहीं, आते हैं गेट से वापस चले जाते हैं। ये व्यथा मेरे साथ नहीं है, बहुत सारे किसानों के साथ यही हाल हो रहे हैं। ये आपने जो डॉक्यूमेंट उनको दिखाए भी, ये आपने इतने 45 कनाल के रजिस्ट्रेशन है, मैंने डॉक्यूमेंट दिखाया इनको, अब भी दिखा रहे हो ये, आप भी ये देख लो भी 45 कनाल के हैं और ये कह रहे हैं 11 क्विंटल तोलेंगे, ऑनलाइन भी ये 11 क्विंटल दिखा रहे हैं, ये कह रहे हैं हमारे बस की बात नहीं, आप ऊपर बात करो, ऊपर कोई सुनता ही नहीं है। तो बिल्कुल मैं बता दूं कि वेयर हाउस की तरफ से यहाँ पर सरसों की खरीद की जा रही है और पिछले चार दिन से यहाँ पर सरसों की खरीद चल रही है। लेकिन अभी जो ये किसान अपनी व्यथा बता रहे हैं, न केवल वो एक किसान की है बल्कि ये काफ़ी किसानों के साथ ऐसा ही हो रहा है। और पहले दिन जमाल गांव के अंदर भी सेम इसी तरह की सिचुएशन आई थी और किसानों ने तौल बंद करवा दिया था, यानी कि शुरू होने से पहले ही उन्होंने वहां पर विरोध जाहिर करते हुए तौल शुरू नहीं करवाया और विरोध शुरू कर दिया था। उसके बाद हालांकि वहाँ पर SDM सिरसा पहुँचे थे और किसानों को किसी तरह से कन्विंस करवा के और उनकी जितना ऑनलाइन था उस हिसाब से उनका रजिस्ट्रेशन जितना किया हुआ था उस हिसाब से उनकी तौल शुरू हो गया था। लेकिन अब यहाँ पर नाथूसरी चौपटा की अनाज मंडी के अंदर भी इस तरह के मामले आ रहे हैं कि जिसकी वजह से किसानों को बेवजह परेशान होना पड़ रहा है। तो अब कुछ यहाँ के अधिकारी हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि जब किसान ने ऑनलाइन 45 कनाल का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो फिर उनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के मुताबिक तौल जो है उस हिसाब से क्यों नहीं हो रहा है। तो अब ये जो समस्या है इसको लेकर अब हम यहाँ पर मार्केट कमेटी की तरफ से जो मंडी सुपरवाइज़र नियुक्त किए हुए हैं सुनील जी, उनसे हम बात करते हैं। जी सर, ये जो प्रॉब्लम है वो कई किसानों के साथ आ रही है, क्या कहना है इसके बारे में? सर, जो किसानों ने पहले फसल HRV.in पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था, उस रजिस्ट्रेशन के अनुसार ही ये जो डाटा है वो आ रहा है और ये डाटा सारा पंचकुला से डिसाइड होता है सर। जो सॉफ्टवेयर में फार्मर द्वारा जो डाटा फीड किया गया था, जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था, जैसे जिसके जितने एकड़ थे, जिसमें अगर मान लो गेहूँ की फसल है या सरसों की फसल है, तो उन्होंने खुद रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है सर, उस डाटा को वेरीफाई किया गया, जैसे पटवारी द्वारा वेरीफाई किया गया, ठीक है सर, और अन्य जो एजेंसी है उनको वेरीफाई होने के बाद ये टोकन कटते हैं जी हमारे।
अब ये जो एक पर्टिकुलर एक मामले की बात की जाए तो हंजीरा का एक किसान है, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट भी लिया के वो ले है इनके पास, 45 कनाल का उनका रजिस्ट्रेशन है और उसके बावजूद उसका 11 क्विंटल आप उसमें परचेज कर रहे हैं, उसका टोकन काटा गया है। जैसे कि सर मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो डाटा है वो सॉफ्टवेयर में फीड है सर, इसमें हमारे पास उसको कम या ज़्यादा करना कुछ भी नहीं है। जैसा ही उसमें हम जो किसान का नाम डालते हैं उसके बाद इसका टोकन अपने आप क्रिएट होता है सर, उसके बाद टोकन कटता है। नहीं तो अगर अब इसमें किसान क्या करे आखिर में, क्योंकि आपके डिपार्टमेंटली इशू है, चाहे चंडीगढ़ से हो चाहे सिरसा से हो, लेकिन अब किसान तो पीड़ित है, वो अपना फसल वहाँ से लेके आया है घर से और वो वापस उसको लेके जानी पड़ेगी, बेवजह की लेबर लगी, बेवजह का उसका आना जाना खर्चा हो गया, तो इसके समस्या का समाधान के लिए आप अपने स्तर पर क्या प्रयास कर रहे हैं? ऐसा है जी, जो हम सुबह यहाँ लिस्ट लगाते हैं वो लिस्ट बिल्कुल जो टोकन कटता है करेक्ट लिस्ट होती है हमारी, सुबह जो 8 बजे यहाँ गेट पे हमारी लिस्ट लगी होती है वो बिल्कुल करेक्ट होती है, और उसमें इवनिंग और मॉर्निंग दोनों की लिस्टें लगी होती है सर। अभी जो जैसे ये बता रहे हैं कि इनका 11 क्विंटल, तो उस लिस्ट में 11 क्विंटल का ही है सर इनका। ऐसे में किसान आखिर क्या करे, आपने बता दिया अभी सुबह वाली लिस्ट है वो एक्यूरेट आती है लेकिन शाम वाली गलत आती है, तो आपने अपने उच्च अधिकारियों को इस संबंध में कभी अवगत करवाया हो? जी बिल्कुल, हमारे उच्च अधिकारियों को हमने जैसी भी समस्या आती है उस बारे में अपडेट करवाते रहते हैं सर। तो बिल्कुल ये बता रहे हैं कि इन्होंने अपने सत्र पर इनको कुछ नहीं करना होता है, पंचकुला से जो लिस्ट बनती है ऑनलाइन और वो ही लिस्ट के मुताबिक यहाँ पर ये परचेजिंग करते हैं, उसी के मुताबिक यहाँ पर टोकन करते हैं। लेकिन चिंता की और विचारणीय बात यह है कि इस तरह से अब आम किसान है वो ना चंडीगढ़ जानता है ना पंचकुला जानता है, वो जानता है मंडी और वही मंडी जिसका उसके पास मैसेज आता है उसके मोबाइल में, और ऐसी स्थिति के अंदर मोबाइल में उसके पास जो मैसेज आया हुआ है उसके मुताबिक वो अपनी फसल वहाँ से लेके आता है सरसों और यहाँ पर बेचने के लिए आता है, लेकिन आने के बाद में उसको अगर इस तरह का पता लगता है कि तेरी 4 क्विंटल 10 क्विंटल या 12 क्विंटल ही बिकेगी, तो ऐसे में उसके लिए बड़ी परेशानी हो जाती है, उसको वापस भी लेके जाना है और गेहूं की कटाई का भी सीजन चल रहा है, तो बेवजह की एक मेंटली हरासमेंट भी उस किसान के साथ हो रही है और ये काफ़ी किसानों के साथ हो रही है। और यहाँ के जो कर्मचारी है वो सिर्फ ये कह देते हैं कि ऊपर के लेवल का ये मामला है और वहाँ से जो इनके पास रिपोर्ट आती है उसी के मुताबिक ये परचेजिंग करती है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि प्रशासन और सरकार जो एक तरफ इस कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए जिस तरह से पूरा एक्टिव है, लॉकडाउन को सफल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह के जो किसान वो परेशान हो रहे हैं उसके लिए अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरह के क्या प्रयास किए जाते हैं। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरामैन संदीप वर्मा के साथ हनुमान पूनिया। आप अपनी न्यूज़ के सभी वीडियो पाएं सिर्फ एक क्लिक पर, चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन जरूर दबाएं।